तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी में गैस को लॉक करना कि स्प्लिट एसी में किस तरीके से गैस को लॉक किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, बट ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको, ये 100% तरीके से एकदम सही है और इसी तरीके से आपको गैस को लॉक करना होगा, तो ही आप सेफ तरीके से गैस को लॉक कर पाएंगे। वरना दोस्तों डेंजरस बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे ये बहुत डेंजर होता है। मतलब जिस टाइम आप गैस को लॉक करना करते हैं ना, वहाँ पे एसी के कंप्रेसर को ब्लास्ट होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए आपको ये तरीका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊँगा कि जब एलनकी को बंद कर लेंगे, मतलब कि डिस्चार्ज लाइन को बंद करेंगे, और जब वो पीछे बैक साइड से गैस को अपने अंदर खींचेगा, तो कितने टाइम तक आप उस एसी को ऑन रख सकते हैं, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट या आधा मिनट, कितना मिनट या कितना सेकंड तक आप वाल्व को बंद करके कंप्रेसर को चलाएंगे तो वो ब्लास्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें और आज पूरी की पूरी तरीके से आज सारे के सारे डाउट इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे हम लोग कि ये कैसे लॉक किया जाए गैस, और फिर आप इजी तरीके से गैस को लॉक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए, जब हम R22 गैस को किसी भी तरीके से लॉक कर दिया करते थे, चाहे हम गेज लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टाइम R410 गैस, R32 गैस, 290 गैस, ये गैसें, इन गैसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप यहाँ पर गेज नहीं लगाएंगे, सेफ्टी वे में आके काम नहीं करेंगे, तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए आपको ये अच्छे तरीके से, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से गैस को लॉक करते हैं। तो इस वीडियो में ये सारे के सारे डाउट ख़त्म होने वाले हैं, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा एक स्प्लिट एसी है, ठीक है ना, ये इंडोर है और ये आउटडोर है। तो जो इंडोर है, इसके अंदर की सारी गैसों को खींचकर आउटडोर में इकट्ठा किया जाता है, उसी को कहा जाता है गैस को लॉक करना या गैस को रिकवर करना। तो चलिए अब बताता हूँ मैं किस तरीके से आप इसको गैस को रिकवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप कि यहाँ पे एक गेज लगाएंगे। गेज इसलिए लगाएंगे ताकि ये आपको पता चले कि ये हमारी गैस रिस्टोर हो चुकी है या फिर गैस अभी तक रिस्टोर नहीं हुई है। देखिए, गैस को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले आपको एसी को चलाना होगा। पहले एसी को ऑन करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ से अपने एसी को ऑन कर देते हैं। एसी हमारी ऑन हो गई। जब एसी ऑन होगी तो ये ठंडा करना शुरू कर देगी और गैस इसके पाइपों में घूमना भी शुरू कर देगी। जैसे ही 1 या 1.5 मिनट तक आपकी एसी चल ले, थोड़ा गैस रवा हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपका गेज है ना, ये गेज आपको सबसे पहले बंद कर लेना है इसको, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो यहाँ से ये गैस बाहर निकल जाएगी। इसलिए सबसे पहले इसको ऑफ कर देंगे हैंडल को, और उसके बाद इस गेज को आप लोग लगाएंगे यहाँ पे। कहाँ लगाएंगे? जो इसकी चार्जिंग पिन है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो देख रहे हैं पाइप ना, ये अगर आपकी R22 है ना, R22 गैस में डाली गई है, R22 गैस वाला ये आपका सिस्टम है, तो इसमें दोस्तों ये नॉर्मल जो हमारी 134 या R22 में गैस चार्ज करते थे पाइप से, वो वाला पाइप लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये जो गैस इसमें है ये 32 है या 410 है, तो वहाँ पे आपको ये आपको जो पाइप है ये वहाँ पे नहीं लगेगी, उसके लिए ये दूसरी पाइप लेनी पड़ेगी, या फिर आपको एक एडाप्टर आता है उसको लेना पड़ेगा, वो तब जाके यहाँ पे लगेगा इसके चार्जिंग पिन पे। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी पाइप रहेगी, ये पाइप आप अगर 410 या 32 गैस है तो उसमें ये नॉर्मल पाइप नहीं लग पाएगी, उसके लिए वो बड़ी वाली थोड़ी सी, मतलब जो उसका नट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, वो वाला लगेगा। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी 410 गैस या 22 जो भी कुछ भी है, 410 ही समझ लीजिए इसको, चलिए 410 गैस हमारी इसमें है सिस्टम में, तो इसको हम लोग रिकवर करना है, तो यहाँ पर हम इसको पहले ला करके कस देंगे। तो जब यहाँ पे कसेंगे दोस्तों ना, तो ये यहाँ पे हमारा जो कांटा रहेगा, ये कांटा इसका सीधा चला जाएगा इसके रनिंग प्रेशर पे, मतलब जितना गैस इसमें रहेगा वो बताएगा। मान लीजिए कि हमारा कांटा चला गया 120 PSI पे, तो मतलब कि इसमें पूरी गैस 120 या 130, 130 या 35 के आसपास में अगर चला गया, तो इसका मतलब पूरी की पूरी गैस है। अब इसको करना है लॉक। तो लॉक कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे हमारा जब कांटा यहाँ पे आ गया ना, तो जब ये थोड़ा देर चल भी लिया 1-1.5 मिनट, तो अब सबसे पहले आपको एलनकी लेना है। एलनकी कैसी होती है? देखिए, इस तरीके से एलनकी ये होती है हमारी, ये एल के आकार की एलनकी होती है, ठीक है ना। इसी से हम लोग इसको, जो ये अंदर का नट है ना, इसको खोला और कसा जाता है। तो इस एलनकी को लेना है
और लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिस्चार्ज लाइन जो इसका जो डिस्चार्ज वाल्व रहेगा वहाँ पे एलनकी लगाना है और यहाँ से इसको कसते 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 यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। जब ये एलनकी को बंद करके ये वाल्व ऑफ़ कर देंगे तो ये कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से आगे तो फेंकेगा लेकिन यहाँ वाल्व से आगे ये गैस नहीं जाएगी और सक्शन लाइन क्या करेगा, खींचेगा। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। तो जब यहाँ से आगे गैस नहीं बढ़ेगी डिस्चार्ज वाल्व से आगे तो क्या होगा कि आगे गैस जाएगी नहीं, लेकिन जो हमारा सक्शन वाल्व ये खुला ही है तो ये क्या करेगा, गैस को रिटर्न खींचेगा। क्या करेगा, गैस को रिटर्न खींचेगा। चलिए रिटर्न खींच रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, रिटर्न मतलब कि अपने आउटडोर में सारी गैस को खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, जब यहाँ से ये आगे नहीं गई गैस तो ये हमारा वाल्व बंद है तो ये जो है यहाँ से ले करके इन पाइप के अंदर की जितनी भी गैस है और जितना भी इनडोर में गैस है, जितना भी इस पाइप में गैस है, इन सारे गैसों को ये खींच करके इसके जरिए से ये कंडेंसर में भरेगा, फिल्टर में भरेगा, कैपरी में भरेगा, कंप्रेसर में भरेगा, मतलब सब आउटडोर में सारी के सारी गैस को सक्शन लाइन के जरिए से खींचकर आउटडोर में भर देगा। और जैसे ही ये सारी के सारी गैसें अंदर आने लगेंगी तो ये धीरे धीरे ये सुई, यहाँ पर समझिए गेज का मतलब क्या है लगाने का, अब ये जैसे ही जैसे जैसे ये खींचेगा नीचे वैसे वैसे ये सुई धीरे 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 डाउन होते होते जीरो पर चली आएगी और जीरो से नीचे भी आ सकती है। तो जब ये सुई जीरो पर आ जाए और ये नीचे आना बंद हो जाए तो इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर के सारी की सारी गैस इस आउटडोर में चली गई है, इसीलिए अब यहाँ से खींच रहा है तो यहाँ से ये सुई माइनस की तरफ आ रही है, इसीलिए ये जीरो पे आ गई, मतलब कि इसके अंदर अब ज़रा सा भी इसमें गैस नहीं रह गई है, सारी की सारी गैस हमारी इनडोर की सारी गैस आउटडोर में चली आई है। अब यहाँ पे हमें एलनकी लगाएंगे यहाँ पे और इस एलनकी को लगा करके हम इसको कस देंगे और कस करके इसको भी हम लोग बंद करेंगे और बंद करने के तुरंत बाद हम एसी को भी बंद कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही दोनों वाल्वों को अच्छी तरीके से बंद करेंगे तुरंत यहाँ पे एसी को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर डाउट क्लियर करता हूँ, जो भी डाउट है उसको क्लियर करता हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए जब आप डिस्चार्ज वाल्व को रिकवर करने के लिए डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर देंगे एलनकी से और ये आपका ऑन ही रहेगा स्प्लिट एसी और ये इसके अंदर से हवा खींच मतलब गैस सारी गैस इसके अंदर के इनडोर के अंदर के खींच करके आउटडोर में भर रहा होगा तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेकंड तक इस एसी को चला सकते हैं, चाहे इसमें कोई भी गैस हो उससे मतलब नहीं है। एसी को जब गैस रिस्टोर करेंगे तो वहाँ पे जब एक वाल्व को बंद कर देंगे तो वहाँ पे उस वाल्व को बंद करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 सेकंड तक इस एसी को चलाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं चलाएँगे। कितना सेकेंड यह मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 35 सेकेंड क्या है, 35 सेकंड से ज़्यादा आपको एसी को नहीं चलाना है। और मैं बता दूं गैस कितने सेकंड में रिकवर हो जाएगी, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं गैस ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर में ही हमारी पूरी की पूरी गैस रिकवर हो जाएगी और ये सुई आ जाएगी माइनस पे, क्योंकि जब गैस ही नहीं इधर रहेगी इनडोर की जानिब तो फिर कहाँ से ये सुई हमारी ऊपर रहेगी। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 35 सेकंड तक चलाना है, उससे ऊपर कभी नहीं चला सकते हम वाल्व को बंद करके एसी को, वरना कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा और हमारी गैस रिस्टोर हो जाएगी कितने सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में ही। तो जब गैस रिस्टोर हो गई तो चलाने की क्या ज़रूरत है, जैसे ही गैस रिस्टोर हो ये बता दे काटा कि हाँ मैं अब जीरो पे आ चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर की सारी गैस खींच करके ये अपने आउटडोर में ले लिया है। तो आप तुरंत ही आप वहाँ पे 10 से 15 सेकंड के अंदर में ही, मतलब कि जब ये सुई आ जाए जीरो पे, तभी आपको इस एसी को बंद कर देना है, मतलब कि ये वाला वाल्व बंद करने के तुरंत बाद ये वाली एसी आपको एसी बंद कर देना है। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से जब कभी भी करेंगे दोस्तों आप लोग ये गैस रिस्टोर, तो कोई भी खतरा नहीं होगा, एकदम आर बाईस की तरह गैस रिस्टोर करिए, चाहे कोई भी गैस हो, लेकिन गेज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गेज लगा के ही करिए, कोई भी चीज़ डेंजरस नहीं होती है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होता ना तब तक ये डेंजरस हुआ करते हैं, तब तक ये ख़तरनाक है, लेकिन जब आपको पता है किस तरीके से होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ एलनकी वाली बात है, तो एलनकी देखिए कोई भी हमारी स्प्लिट एसी हो उसमें 4 नंबर और 5 नंबर की एलनकी लगती है, कितने नंबर,
चार नंबर और पाँच नंबर, यही दो एलन की लगेगी, या तो इसमें चार नंबर की लगेगी या पाँच नंबर की लगेगी, या कभी कभार ऐसा होता किसी किसी एसी में कि ये दोनों एलन की, या सक्शन लाइन पे हमारी पाँच नंबर की लगती है और डिस्चार्ज लाइन पे हमारी चार नंबर की लगती है, ये भी कभी कभार होता है। इसलिए आपको दो एलन की साथ में हमेशा लेके चलना है साइड पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये एकदम सेफ तरीका है, और ये भी बता दिया कि अगर आप 35 सेकंड तक भी चलाते हैं वाल्व को बंद करने के बाद एसी, तब भी कोई फटने उठने कोई भी चांस नहीं है, लेकिन हमारी गैस रिस्टोर हो जाती है 10 से 15 सेकंड के अंदर में, और ये गेज हमें बता देगा कि हाँ आपकी गैस रिस्टोर हो चुकी है। वो कैसे, वो ऐसे कि जब ये सुई 120 से या फिर 60-70 से होकर के नीचे आ करके जीरो पे आ जाएगी, मतलब आ जाएगी माइनस तक या जीरो पे आ जाएगी, इसका मतलब गैस सब रिस्टोर हो चुकी है। अब हमें वाल्व बंद करने के बाद एसी को बंद कर देना चाहिए, फिर उसके बाद हम जो भी चाहे, मतलब एसी को इधर उधर करना चाहें, दूर करना चाहें, नज़दीक करना चाहें, हम यहाँ से इसको खोलेंगे नट को, और यहाँ से भी इस नट को खोल लेंगे, मतलब इस स्प्लिट एसी की जो पाइप है इंडोर आउटडोर के बीच में, इन पाइपों को अलग करके हम चाहें तो इसको दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं उठा करके, और चाहे तो इसको दूर या नज़दीक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब इसको लगा लेंगे, और लगाने के बाद फिर इसको खोलना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।